नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। छात्राओं को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें आत्मरक्षा के गुर भी सिखाना बेहद जरूरी हो गया है और इसका बीड़ा उठाया है उद्यमिता जागृति प्रकोष्ठ ने, जो छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। अम्बा के पीजी कॉलेज की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो छेड़छाड़ करने वालों को सबक सिखा सकें। छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए उद्यमिता जागृति प्रकोष्ठ ने एक अभियान शुरू किया है। गौरतलब है कि छात्राओं को शिक्षित होने के साथ राह चलते मजनुओं से निपटने का हौसला और गुर भी आना चाहिए। आए दिन छात्राओं से होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए छात्राओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। हर एक लड़की को सीखना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग अपनी लाइफ में क्या फेस करते, बल्कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों को अपनी हिम्मत से, मजबूती से इनके खिलाफ लड़ते नहीं है। जो कि आज सर ने बताया, हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें हमेशा हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बहुत अच्छा बताया। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर मंथ ये प्रोग्राम होना चाहिए कॉलेज। ये अम्बा पोर्सा क्षेत्र में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा आयोजन कार्यक्रम किया है और इसके पीछे मोटिव ये है कि यहाँ की जो लड़कियाँ डर के साए में रहती हैं, उनको कहीं अगर समझो गांव से बाहर जाना है तो उनके अंदर एक डर होता है कि मैं अकेले कैसे जाऊँ, मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़ चैनलों पर कि कुछ ना कुछ हमारे देश में कुछ ना कुछ घटनाएँ हो रही हैं। उसके रोकने के लिए सबसे बेहतर यही तरीका है कि समाज के कुछ लोग आगे आएँ और लड़कियों को सशक्त बनाएँ और इतना सशक्त बनाएँ जिससे वो हर किसी का वो सामना कर सके। अम्बा से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता अरुण प्रताप सिंह की रिपोर्ट।